हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सोनाली एंड आज का ब्लॉग में स्वागत करती हूं। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सभी ठीक ही हैं। तो चलो आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ना आज थोड़ा लेट से उठे हैं सबको, तो लेट से ही काम कर रहे हैं, हो जाएगा रेडी 8-9 बजे तक। तो हम लोग अभी काम में लगे हैं, तो चलो काम सब खत्म करते हैं एंड इसके बाद आज क्या क्या करेंगे आप लोग कंटिन्यू रहो ब्लॉग में। इधर मम्मी का झाड़ू को बॉयल के लिए लगा दिए हैं और इस तरह से बॉयल होता है फ्रेंड्स झाड़ू बनने के लिए। और यहाँ पे हम कपड़ा दिए हैं ताकि नीचे अच्छा से बॉयल हो जाए, पूरा नरम हो जाए, जिससे बनाने में दिक्कत नहीं होगा, अच्छा से वो जैसे बनाओगे वैसे बनेगा। तो हमारा ऐसा झाड़ू बनते हैं। हमारे फ्रिज में इस वक्त मम्मी की फ्रूट्स और ये है पुटकल साग जो कि हमारे पड़ोसी दिए हैं, तो इसको हम रखे हैं। तो आज बनाएंगे पुटकल साग और इसके साथ आलू भी मिक्स कर सकते हो, बट हम नहीं करेंगे। और ये एप्पल दो ही बचे हैं और बस टमाटर है। साग को बनाने से पहले थोड़ा साफ सफाई करना पड़ता है, तो मम्मी बोली है इसमें से जो वाइट वाइट है उनको अलग करना है और उसके बाद ही बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है, तो इसको अभी अलग करेंगे, उसके बाद धो के बॉयल के लिए दे देंगे। एंड उसके बाद अगर आपको उसी वक्त बनाना नहीं है तो आप धूप में दे सकते हो और कभी यूज़ के लिए, और नहीं तो टमाटर के साथ आप बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ये हमारा बनेगा चटनी और ये है टमाटर और प्याज, लहसुन, धनिया पत्ता और यहाँ पे दिए हैं हरा मिर्च जो कि चटनी को बहुत ही सुस्वाद बनाता है। हमारे मिक्सी को क्या हो गया पता नहीं, ये काम ही नहीं कर रहे। बहुत बार ट्राई किए चलाने के लिए लेकिन चल भी नहीं कर रहे। तो अभी क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे पत्थर में, और वहाँ पे तो मेरा हाथ बहुत चलता है मिर्ची की वजह से। तो मम्मी को बोलेंगे, देखेंगे कर देगी तो ठीक है। हे गाइस, अभी नहा ली क्योंकि मुर्गी लोग का घर झाड़ू किए तो बहुत डस्ट होता है, तो इसीलिए हाँ। तो अभी ब्रेकफास्ट करूंगी और आज फ्राइडे है तो चर जाएंगे क्रूस रास्ता के लिए, तो देखते हैं कितना मतलब कितना टाइम में, आई थिंक 3 बजे ऐसा कुछ है, तो आप पहले से ही जाएंगे। तो इससे पहले अगर कुछ काम है तो सबको कर लेंगे। तो ये इंसान अभी खाना खा रहा है, यानी कि मेरा भैया, इधर देखो तो वो पहले कैसे हो। बहुत अच्छे हैं। हम सोचिया ई हन पाखिती ए तो बता ई बेलन वाला हो बोलते हो डाइर ते दो काई नहीं हो कह जे पाछे ननते ओड काटे। हां गा हाय रे एसे। तो फ्रेंड्स बच्चे लोग
बैर खा रहे थे तो मैं भी सोची चलो खा लेते हैं, क्योंकि बाद में तो मिलेगा नहीं, ये तो सीजन सीजन में ही होता है, तो वही खाने चले गए। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से हो गया है और बहुत ही मीठा भी है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं रील बना रही थी तो ये साड़ी पहनी हूँ और ये साड़ी मेरा ही है, शादी में पहने थे और उस टाइम का ब्लॉग बना नहीं पाए क्योंकि पता नहीं बहुत सारे बिजी थे। मैं सोची कि नई साड़ी में बनाऊँ। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअली जो साड़ी है ना, ये पूरा ये था, प्लेन था, तो इसमें मैं बॉर्डर लगाई हूँ और ब्लाउज में भी बॉर्डर लगाई हूँ, जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। तो थोड़ी बहुत कॉम्बिनेशन करने में मैं कोशिश करते रहती हूँ कौन सा क्या ठीक लगेगा क्या नहीं, सब। अभी 1 बज रहे हैं और 3 बजे आसपास क्रूज रास्ता स्टार्ट होता है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले ही जाएंगे, 2:30 आसपास जाएंगे। मम्मी पापा भी घर पे नहीं है और भैया दुकान में है, तो मैं अकेली घर पे हूँ, तो ये सब करना मैं करते रहती थी और बस यही है। फिर बाद में देखते हैं क्या क्या होगा, आप लोग कंटिन्यू रहो व्लॉग में, ठीक है। आज के लिए रेडी हो गई और अभी हम 3 बजे जाएंगे, पापा मम्मी, भैया तो नहीं जाएगा शायद, वो तो सोया हुआ है, उसको छोड़ के जाएंगे घर, देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग निकलते हैं, मम्मी पापा और मैं, एंड उसके बाद आके घर का काम वगैरह करेंगे। तो चलो फिर निकलते हैं। गाइस हम लोग का रोड बन गया है और पहले बहुत ज्यादा डस्ट होता था बट अभी बहुत कम। एंड आई विश कि हम लोग का जो पानी का प्रॉब्लम है ना, वो भी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और हमें एक प्रॉब्लम ना हो पानी के लिए भी। हम लोग जस्ट आ गए और रास्ते साइड में काम हो रहा था, पाइप वाला काम कुछ, तो लगता है पानी बहुत जल्दी आने वाला है, मतलब जो सरकारी वाला ये लगाए थे ना पाइप वगैरह देंगे साथ, तो वही बना रहे थे और अच्छा लगा देख के, मिलेगा तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हम लोग का गांव में बहुत ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम होता है गर्मी सीजन में, और ऐसे बारिश का सीजन में तो हो जाता है इधर उधर से। दो हेलो बोलो यहाँ पे। Hello. कैसे हो? मैं ठीक हो? Yeah. यहाँ पे पूछो कैसे हो बोलो। हमारे पड़ोसी आज पुटकल साग तोड़ रहे हैं और ये साग जो है ना बहुत ही टेस्टी होता है, अगर आपको पसंद हो तो। ये थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है बट इस सीजन में ही मिलता है। ए पता मैं इसी उकड़। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा गांव, क्योंकि कुछ प्रोग्राम है, एक बहन शादी हो रही है तो उसका क्या चिट्ठी वगैरह क्या वो बनाना है, तो उसी के लिए जा रहे हैं। और मेरे आगे जा रहे हैं मेरा बहन लोग, भैया लोग, उनको दिखाती हूँ। हालो गम गुड़े पैसे। तो फ्रेंड्स मैं अभी सोची हूँ कि पूड़ी बनाऊंगी अभी शाम के लिए और आलू और मटर ये रहेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है देसी आलू, तो इसी को बॉईल करेंगे अभी, बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मम्मी मार्केट से लाए थे, ठीक है। हो जाएगा इतना में ही।
तो सबसे पहले जान रही हूँ ये मैदा है, मैदा का बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैदे का बना रही हूँ। सो फाइनली हम लोग का डिनर हो गया और अभी हम लोग न्यू घर तरफ आए हैं सोने के लिए। और चलो आज का व्लॉग एंड करते हैं। एंड कैसा लगा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, एंड नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।